वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बाइस ईरानी सदर की हलफ बरदारी में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी की वजह से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी मुलतवी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज है। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ तबीयत की नासाजी के बाइस ईरानी सदर की हलफ बरदारी में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी की वजह से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी मुलतवी की गई है, जबकि शहबाज शरीफ ईरानी सदर की हलफ बरदारी में शिरकत भी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बात करते हैं, अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान नहीं जा सकेंगे। फाती ज़राए के मुताबिक उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी और गुज़िश्ता रोज़ उनकी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स और काफ़ी ऐसी इंगेजमेंट्स जो कि तयशुदा थी, स्केजुअल थी, उनको कैंसिल किया गया। ऐसी एक अपॉइंटमेंट उनकी सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात थी जो कि सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर मौजूद हैं कॉमनवेल्थ की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह वज़ीर आज़म की तबीयत का नासाज होना था। तो अब वज़ीर आज़म की जगह आज वज़ीर आज़म या नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरान जाएंगे और ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़िश्कियान की तकरीब हलफ़बरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार से हमरा एक वक्त भी ईरान रवाना होगा। जी बहुत शुक्रिया अनवर।